छफरौली के गजेंद्र फाटा हत्याकांड में पुलिस ने हिरासत में लिए आरोपियों को छोड़ने पर पीड़ित पक्ष के लोगों ने शुक्रवार को छफरौली थाने में धरना शुरू कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने राजनीतिक दबाव में हत्यारोपियों को छोड़ दिया। इस दौरान महिलाओं ने पुलिस को जमकर खरी खोटी सुनाई। दरअसल आपको बता दें कि 23 मई को छपरौली थाने की चौधरान पट्टी में एक दर्जन लोगों ने घर लौट रहे तीन लोगों पर हमला बोल दिया था। इस हमले में गजेंद्र उर्फ फाटा की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि दो व्यक्ति भूदेव व अश्वनी गंभीर रूप से घायल हुए थे। इसमें अश्वनी की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि यह पूरा मामला हाल ही में संपन्न हुए निकाय चुनाव से जुड़ा हुआ है। स्थानीय निकाय चुनाव में मिली हार और जीत को लेकर दोनों पक्षों में विवाद बना हुआ था। इस मामले में 10 लोगों को नामजद करते हुए छपरौली थाने पर मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। पुलिस ने दो आरोपियों को पकड़ भी लिया था, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने दोनों को रात्रि में थाने से छोड़ दिया। इस बात से क्षुब्ध होकर मृतक व घायल पक्ष के लोगों ने थाने पहुंचकर धरना शुरू कर दिया। इस दौरान महिलाओं ने पुलिस को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने आरोप लगाया कि गजेंद्र फाटा हत्याकांड में नामजद दो आरोपियों को थाने से छोड़ दिया गया। उन्होंने मांग की कि आरोपियों पर 302 और 307 की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जाए। हिरासत में लेने के बावजूद भी पुलिस ने राजनीतिक दबाव में आकर आरोपियों को रिहा कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक सभी आरोपी गिरफ्तार कर जेल नहीं भेजे जाएंगे, तब तक गजेंद्र फाटा की तेरवी नहीं की जाएगी। मौके पर सीओ भी पहुंचे, जिन्होंने पीड़ित पक्ष की बात सुनी और कार्यवाही का आश्वासन दिया। 5 घंटे तक चले धरना और बातचीत के दौर के बाद आश्वासन मिला कि सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हर हाल में की जाएगी। इसके बाद धरना समाप्त हो गया। 23 तारीख में हमारे घर में एक फंक्शन था, लड़की का जन्मदिन था, तो हम अपने घर में खाना वाना बना रखा था, बत्ती भी चढ़ रही थी और हम अपना काम धाम में लगे हुए थे। मेहमान भी आ रहे थे, कोई मेहमान 9 बजे गया, कोई 9:30 बजे गया, 10 बजे भी गए। तो 10 बजे कुछ मेरे ताऊ के लड़के, चाचा के लड़के खाना खा के पूरे वो आने लग रहे थे अपने घर की तरफ को, जिसके साथ हमारा झगड़ा हुआ वे रास्ते में थे। और उन वे हम जहाँ खाना खा के आ रहे थे तो वे बातचीत करते हुए आ रहे थे, तो वे अपने हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि हमें देख के हंस रहे, मजाक कर रहे हैं हमें देख के। तो उन्होंने एक मेरे ताऊ का लड़का है ओमवीर, उसके साथ मारपीट करी, उस पर हमला करा। फिर उसके बाद मैं घर था, मुझे जब तक कुछ नहीं पता था। एक मेरा भाई है गजेंद्र जो गुजर गया, वे फिर मैंने उसको फ़ोन करा कि कहाँ हो, वे कहने लगे हम थाने में आ रहे। वे थाने में आ गए, उनकी रिपोर्ट भी करके गए। रिपोर्ट करने के बाद फिर मैं होता कि चलो बाहर को तुम घूम आओ, मैं बाहर को घूमने आया। तो मेरे साथ भी हमला हुआ, लेकिन जब कोई ज़्यादा हमला नहीं हुआ, मेरा बस एक इधर लगा था एक। तो जब लोड़ा रुका गली में हो रहा था, तो घर से फ़ोन आया कि घर आ जाओ। तो मैंने सोचा कि अपने भाई को लेकर साथ घर जाऊँगा गजेंद्र को। तो जब हम घर जाने लगे, तो हम जब घर गए तो उनके बाहर दूसरी पार्टी के जिनके साथ हमारा झगड़ा हुआ, उन्होंने हमें अपने घर के बिल्कुल सामने, मानविंदर के घर के सामने, रोहित के और अमित के बिल्कुल जो घर रस्ते में पड़ता है, उन्हें हमारे पर हमला करा। धारदार हथियार थे, 15-16 लोग थे, लेकिन उसमें से 10 लोग मैं पहचान पाया। और 10 के 10 नाम मैंने जो है सब बताए भी, और हमने उन 10 नामों की रिपोर्ट भी दी। और मौके पर ही मेरे भाई की तो डेथ हो गई भाई। मेरे यहाँ भी चोट लगी, हाथ में लग रही, लो मैं दिखा देता हूँ, और कमर पर भी मेरे चोट है। तो मैं थोड़ा सा गैर गंभीर हालत में था, स्वास्थ्य मेरा कोई ठीक नहीं था। लो मैं दिखा दूँगा, देख लो, कोई बात नहीं। मेरा फावड़ा लगा, तलवार लगी, जब तक तो मुझे होश थी, उसके बाद जब मेरे हाथ लगी फिर मेरे होश भी नहीं रही थी। और एक मेरे ताऊ का लड़का है अश्वनी, वो हमारे घर से अपने बच्चों को लेकर आ रहा था 10:30 बजे, उन्होंने उसके भी हमला करा। अब ये भी निकलता ही है, उनका पूरा प्लानिंग था, मारने का प्रयास था, वो तो बस शुक्र है बस एक पे ही टल गई। और अब हम जो है हमने फिर नाम दिए 10 के, और जी 10 में थे, उन्होंने 3 उठाए रात को ही, 2 तो रात को उठाए, 1 सुबह को उठाया, उनमें से 2 तो छोड़ दिए, अमित और वेद सिंह, रोहित अभी यही है, और 2 जो है पेश हुए खुद बागपत। और एसओ साहब बोल रहे हैं कि मैंने उनको अरेस्ट किया और मैंने उनको भेजा, लेकिन वे खुद पेश हुए, ये झूठ बोल रहे हैं। हमें कार्रवाई चाह, हमें इंसाफ चाह। और जो अमित है, अमित के घर से ही सारा काम हुआ, उसी के घर से बात चली, वहीं हथियार रखे थे उनके। विवाद क्या था, क्यों झगड़ा है आपका? झगड़ा बता तो जो थोड़ा सा इलेक्शन का था, जो वो मेमोरी का, हम तो है 14 वार्ड के और वे है 12 वार्ड के। जो 12 वार्ड का एक उठा था वो हमारे साथ रहा था, वे 12 वार्ड में एक उनमें से हार गया,
और तो उसी बात पे उन्होंने उठा कि अपने घर जश्न मना रहे, जिसमें मेरी लड़की का जन्मदिन था। मैं अपने बत्ती चढ़ा रखी थी घर में और अपना जन्मदिन मना रहे थे। हमने अपने 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 आदमी बुला रखे थे। हाँ, धरना ये इस वजह से दिया कि कल एसओ साहब ने कहा कि मेरे पास तो कोई आया नहीं, मैंने तो कोई उठाया नहीं। और जिसमें दैनिक जागरण अखबार में भी और न्यूज़ में भी आई कि अमित उठा लिया, वेद सिंह उठा लिया, और ये बोल रहे कि हमने उठाया नहीं, तो ये झूठ बोल रहे हैं, बात बात पे पलट रहे हैं। तो हम ये चाहे इंसाफ चाह, 23 तारीख का 24 तारीख का भी कैमरा रात का यहाँ है, दिन का भी है, तो चेक कराओ और हमें पता लगाओ कि उठाए क्यों नहीं। और फिर उठाए नहीं, अभी तक क्यों नहीं उठाए, जब हमने नाम खुद दिए, हमने अज्ञात में कोई रिपोर्ट नहीं दी, हमने नाम दे रखे खुद लिख कर, फिर अज्ञात में भी नहीं है, तो उठाना चाह। जी सर, ये 23 तारीख का मामला है जो हत्याकांड हुआ है। जी 23 तारीख का ये रात का मामला है, जो हमने 10 नामजद किए 10 आदमी, एक भी अज्ञात में नहीं दिया है, उनको पहचान करके सबको हमने उनके नामजद कराया है। इंस्पेक्टर साहब ने 3 आदमी को उठा लिया था पहले और बाद में उनको छोड़ दिया, केवल 2 लोगों को इन्होंने अरेस्ट करके भेजा है। इसमें 3 आदमी घायल हैं, इसमें एक तो मौके पर ही डेथ हो गई जिसकी, दूसरा दिल्ली में उसका उपचार चल रहा है, जिसकी सिर की हड्डी टूटी हुई है, वो भी गंभीर रूप से घायल है। तीसरे मेरे भाई हैं यहाँ पे, वे भी हालत उनकी बहुत गंभीर है। हम प्रशासन से उम्मीद चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो, निर्दोष तो बच जा और बाकी जो दोषी हैं उनको सख्त से सजा मिले। इसमें जो मेन आदमी है अमित खोकर, डॉक्टर अमित खोकर छपरौली, वे इसमें मेन आदमी है, वे उसको बचाने का प्रशासन प्रयास कर रहा है, जबकि हमने पहचान कर उसका नामजद किया है। एक रोहित है, साधु वेद सिंह है और काफ़ी कुछ लोग हैं, सोनू और मोनू को तो उन्होंने भेज दिया, मानविंदर है और एक राजकुमार है, 10 आदमी हैं केवल, अज्ञात में कोई भी नहीं है। जब हमने इन रिपोर्ट में इनको सबको दे दिया तो पुलिस का काम कार्रवाई से होनी चाहिए, पर जब हमने अज्ञात में नहीं दिया, इनको नामजद किया है, तो इन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो भी आप लोग धरना दे रहे हैं? अब हम धरना दे रहे, क्या मांगे आप? हमारी मांग है हमारे साथ न्याय होना चाहिए जब तक हमें कुछ उनकी अरेस्टिंग नहीं होती। आप, मैं एक और मांग करता हूँ, इन्होंने 3 आदमियों को उठाया था शुरू में, अमित और रोहित, आप यहाँ से वीडियो लगा हुआ है इस पर, उनसे मांग कर सकते हैं आप कि आप वीडियो दिखाइए 23 तारीख की रात को 2 बजे का, जो उन्होंने अरेस्ट ना किया हो और बाद में उन्हें छोड़ रहे हैं। आप ही बताओ, उनसे मांग कर लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और एक सबसे बड़ी बात, हम यहाँ थाने पर आए, जब झगड़ा हुआ हम पहले थाने पर आए, हमारे भाई पर हमला किया, हम थाने में आए हुए थे, फिलहाल थाने पर आकर के इन्होंने हमें यहाँ से 2 पुलिस वाले भेज दिए वहाँ पे। उन्होंने वहाँ जब झगड़ा चल रहा था वहाँ की वीडियो भी है एस ओ साहब के पास, उस वीडियो में वैसे साफ नज़र नहीं आता, उसी के आधार पर उन्होंने भेज दिया। आप भी वीडियो की मांग कर सकते हैं, उसमें देख सकते हैं कोई भी मतलब उसमें आरोपी दिख रहे हैं। ऐसा है कि ये मेरी पट्टी के हैं, मेरी पट्टी से ही बिलोंग करें, और इन लोगों के साथ एक 23 तारीख में एक हादसा हुआ। कुछ लोगों ने, जो इन लोगों ने बताया कि 15-16 लोग थे, 15-16 लोगों ने इनके घर पे हमला किया, इनके साथ मारपीट की, और सभी के सभी लोग हाथों में हथियार ले रहे थे, जिसमें लोग कहते हैं कि 10 लोग को तो हम जानते हैं, क्यों, हम तो वहाँ थे नहीं, इनके अकॉर्डिंग मैं बता रहा जो बताया इन लोगों ने। और इन्होंने 10 लोगों के खिलाफ FIR भी की, उससे पहले भी इन लोगों ने, इनके साथ पहले जो झगड़ा हुआ उसकी भी थाना को इन्होंने सूचना दी, यहाँ से कोई 2 सिपाही गए, उन्होंने उनकी वीडियो वगैरह बनाई, उन्होंने वीडियो बनाने का मतलब नहीं था वहाँ, इनको छुटाने का था, लेकिन उन्होंने वीडियो बनाई, इनको छुटाया नहीं। एक तो समस्या ये है, दूसरी बात यह है कि इन लोगों का कहना है कि 3 लोग पहले पकड़े गए हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं, वे थाने में उनके सबूत मिल रहे, वे ये कह रहे कि वो वहाँ हमने पकड़े ही नहीं, और 2 लोग और पकड़े गए, वे खुद सरेंडर हुए, न कि किसी पुलिस ने पकड़े। तो इन लोगों का कहना यह है कि हमें चाहिए न्याय, जो 10 लोग ऑन रिपोर्ट है, जिनके नाम दर्ज है, उनको पकड़ा जा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा, उनसे जो असला था जो उन लोगों ने झगड़े में यूज किया वे सारे बरामद किए जा, अन्यथा ये इससे अलग भी कुछ कार्रवाई करने का इनका मन है, ये आत्मदाह करेंगे क्या करेंगे, ये कह रहे कि हम, अगर हमें न्याय नहीं मिला, जिसमें कि एक मेन आदमी है इनका अमित डॉक्टर इस पूरी प्रक्रिया का मेन हीरो है, और उसको ये निकालना चाह रहे,
क्यों परसों जो पकड़ा गया था वो कहाँ है। और रही बात इन बच्चों का कहना है कि भाई इसके जो थाने के वे हैं कैमरे उसमें उनकी जांच कराई जाए। आप मीडिया से मैं निवेदन करूँगा कि आप उसकी भी जांच करें, अगर वे हैं तो आप इसके लिए इनकी न्याय के लिए प्रार्थना करो आप।